दोस्तों वन प्लस नॉट टू आ गया है, yes, जी हाँ, लॉन्च होना है 22 जुलाई को ये लॉन्च होने वाला है, लेकिन वन प्लस नॉट टू के बारे में अब ज्यादा कुछ पता नहीं है, ऐसे नहीं है, सब कुछ हमें नियरली पता चल गया, ऑफिशियली भी बहुत सारी चीजें उन्होंने टीज कर दी है, एंड रूमर्स के द्वारा कैसे दिखने वाला है ये भी हमें पता चल रहा है, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आपको बताऊंगा क्या नॉट टू होने वाला है, किस प्राइस रेंज में आएगा, क्या क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड क्यों नॉट टू इतना इंपॉर्टेंट फोन है वन प्लस के लिए, सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले बता दूं, ये जो OnePlus के फोन्स हैं ना, especially flagship फोन्स, वो अब next level पे चले गए हैं, especially pricing। जी हाँ, 50,000 के ऊपर चले गए हैं। जब पहले OnePlus launch हुआ था, it was a flagship killer। 30-35,000 में आपको एक flagship level का experience देता था, and it was hardware as well as software। लेकिन अगर पिछले 3 या 4 साल से आप देखोगे, तो वो जो चीज है दोस्तों वो खो गई है, इट इज लॉस्ट समवेयर, इट इज नो मोर। इनफैक्ट OnePlus अब कहता भी नहीं कि हम फ्लैगशिप किलर है, वो प्रॉपर फ्लैगशिप है, और इसी वजह से 30-35,000 की जो प्राइस रेंज है उसमें कुछ भी नहीं है, और इसीलिए नॉर्ड आ गया है, यस, वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो कंप्लीट करने के लिए। OnePlus नॉर्ड जो है दोस्तों, जब पहले लॉन्च हुआ था बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वो जो एक्सपेक्टेशन थे वो मीट भी हुए। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि OnePlus नॉर्ड एक खराब फोन था, वो एक अच्छा फोन था, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें थी विच इट लैक, एंड OnePlus Nord 2 के पास अगर आप देखोगे उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, उसके जो रूमर्स वगैरह आए हुए हैं, उसके हिसाब से इट माइट बी अ वर्दी सक्सेसर ऑफ OnePlus Nord। सबसे पहले तो बोल दूं, ऑफिशियली OnePlus ने बता दिया है कि ये आने वाला है Dimensity 1200 प्रोसेसर पे, जो एक नियरली आपको एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देता है, एंड ऑक्सीजन OS तो आपको पता है, इट इज वन ऑफ द क्लीन UIs आउट देयर। तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन दैट प्राइस ब्रैकेट 30-35,000 इज गोइंग टू बी बिग, बहुत सारे लोग लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को OnePlus लेना होता है, लेकिन जो फ्लैगशिप है दे आर आउट ऑफ रीच। सो दिस 30-35,000 की रेंज में अगर OnePlus Nord 2 अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, जो हमें लग रहा है वो आने वाला है, देन इट विल बी अ किलर प्रोडक्ट। हां, तो स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो Dimensity 1200 है, AMOLED स्क्रीन आने वाली है, 6.43 इंच की AMOLED स्क्रीन आने वाली है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट भी आने वाला है, 4,500 मिली एम्पीयर की बैटरी है, जो अच्छी बात है, क्योंकि पहले 44,000 या फिर 4200 इसमें थे, अब वो थोड़ी बढ़ गई है, 4,500 मिली एम्पीयर की बैटरी हो गई है, जो मुझे लगता है दिन भर के लिए काफी है। 30 वॉट का चार्जिंग आएगा, शायद मेरे हिसाब से 65 भी आ सकता है, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट एट दिस टाइम कम से कम 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग होगा। और एक चीज जो OnePlus का एक कोर एक्सपीरियंस जिसे मैं कहूंगा, अलर्ट स्लाइडर, जी हाँ, जो भी रेंडर्स आए हुए हैं उसमें अलर्ट स्लाइडर भी दिख रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, पहला जो Nord था उसमें क्वाड कैमरा सेटअप थे, लेकिन Nord 2 ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बट आई विल टेल यू व्हाट, 50 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, ये लेटेस्ट सेंसर है, एंड सही में जो फ्लैगशिप वाले फोन है उसमें ये सेंसर आता है, एंड Nord 2 इज गोइंग टू हैव द सेम। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा ऐसे कहा जा रहा है, और तीसरा जो होगा शायद 2 मेगापिक्सल का होगा, छोटा सा सेंसर, सो ट्रिपल कैमरा सेटअप पीछे की तरफ होने वाला है, बट द बिग थिंग इज दे आर मूविंग फ्रॉम दैट 16 मेगापिक्सल सेल्फी टू अ 32 मेगापिक्सल सेल्फी। जी हां, जो खबरें आई हुई है उस हिसाब से सेल्फी शूटर जो होगा वो 32 मेगापिक्सल का होगा। याद रखिए, पिछले 3-4 साल के कोई भी OnePlus के फोन देखो, सेल्फी मतलब 50-60,000 का भी OnePlus लो तो भी उसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता था, लेकिन OnePlus Nord 2 32 मेगापिक्सल, आई थिंक दैट्स अ बिग जंप। और एक इंटरेस्टिंग चीज बाहर आई हुई है, Dimensity 1200 जो प्रोसेसर है ये नॉर्मल वाला नहीं है, थोड़ा उन्होंने कस्टम किया हुआ है AI के लिए, कैमरा मतलब इमेजेस के लिए वगैरह, अब देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि Hasselblad का कुछ ट्यूनिंग वगैरह होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, पिछले 1-2 सालों से जब OnePlus फोन लॉन्च हुआ करते थे, आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड, अभी भी एक्साइटेड होता हूं, लेकिन बहुत सारी जो चीजें हैं, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो या फिर वैल्यू फॉर मनी, इस पे वो नीचे चले जा रहे हैं, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। आई एम होपिंग कि OnePlus Nord 2 जो है, दैट विल बी अ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। अगर पिछले 3-4 लॉन्चेस में मैं बात करूं, तो अगर वैल्यू फॉर मनी अगर किसी को मैं रिकमेंड करना है पैसे के हिसाब से, तो मैं सिर्फ OnePlus 9R कहूंगा कि इट कम्स क्लोज, अदरवाइज जो OnePlus 9 है या फिर OnePlus 9 Pro है, दे आर स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव देन एक्सपेक्टेड, इतना मैं जरूर कहूंगा, एंड दैट इज नॉट वॉट आई वॉन्ट फॉर OnePlus Nord 2। दोस्तों, आपको OnePlus Nord 2 के बारे में क्या लगता है ये जरूर बताइएगा। वैसे वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों, OnePlus एंड Oppo का जो बैकएंड में इंटीग्रेशन हो गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा।
आई डू नॉट थिंक नेसेसरली इट इज अ बैड थिंग. इनफैक्ट अगर कुछ हो सकता है तो अच्छा ही होगा अपडेट्स के मामले में. फास्टर अपडेट्स आएंगे, ज्यादा अपडेट्स आएंगे. ऑलरेडी रोड मैप जो है बता दिया है OnePlus ने कि उनके फ्लैगशिप के फोन्स 3 साल का एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स, एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलने वाले हैं. जो नॉर्ड सीरीज है सी या फिर जो नॉर्ड 2 आने वाला है उसमें आपको 2 साल के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 साल के सिक्योरिटी. और जो N100 N10 वगैरह जो बाहर के देशों में हुए उसके लिए सिर्फ 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है. सो दिस इज गुड. आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेशन. अब OnePlus के फोन के ऊपर कलर ओएस आएगा या ऑक्सीजन ओएस आएगा, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजन ओएस. ग्लोबली उन्होंने ऑलरेडी कहा है एंड चाइना में जो होगा वो कलर ओएस आने वाला है. बट आई डोंट सी एनी डिफरेंस. इवन कलर ओएस होने दीजिए या फिर ऑक्सीजन यूआई होने दीजिए, दोनों ही बहुत अच्छे हो गए. कलर ओएस हैज इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट. सो आई रियली डोंट सी मच ऑफ अ डिफरेंस. आई एम ओके इवन इफ कलर ओएस कम्स ऑन OnePlus फोन्स. जी हाँ, ऐसा मेरा मानना है. आपको क्या लगता है इसके बारे में जरूर बताएगा. वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए. वैसे पहली बार आ रहे हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.